अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं इंटीग्रेशन। नाम यस है इंटीग्रेशन, और जहां बात हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के साथ जब उसका टॉपिक जुड़ जाएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो ये सोने में सुहागा। क्योंकि जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आता है तो हमारे अक्सर बच्चों के हाथ पांव फूल जाते हैं। उनसे पूछा जाए तो उनके जहन में होता है कि ये बहुत मुश्किल टॉपिक्स है जी। भाई मैंने आपको पहली वीडियो में कहा था, आज फिर कह रहा हूं, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इसकी पहली वीडियो साथ जरूर देखें। इसके मैंने आपको टॉपिक बताया था, मैंने इसके में क्या बताया था, एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था आईलेट। इसको याद रखना है बच्चों, आईलेट। आईलेट क्या था? आई से मुराद इनवर्स फंक्शन, एल से मुराद लॉग फंक्शन जी, अब ए से मुराद अलजेब्रिक फंक्शन, टी से मुराद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस एक्सरसाइज में इन्हीं का वास्ता हमसे पड़ेगा। इसमें दो चीजें हैं, प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है, यू और डी वी। तो बच्चों ये आईलेट हमें बताता है कि यू किसने होना है और डी वी किसने होना है। तो यू के लिए जो भी इन आईलेट की जो होंगे अल्फाबेट, वो पहले जो आएगा वो हमारा यू होगा। तो बच्चों हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़े हैं, सिर्फ दो टॉपिक पढ़े हैं, याद है ना कौन सा टॉपिक पढ़ा है? एक हमने पढ़ा है लॉग और अलजेब्रिक, और दूसरा कौन सा पढ़ा है? दूसरा हमने पढ़ा है इनवर्स और अलजेब्रिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक। तो इसको साथ रखें, इंशाल्लाह बहुत आसान टॉपिक, आपको मजा आएगा। तो ले जी हम शुरू करते हैं ये टॉपिक जी। ये जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमने तीन वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, चौथी वीडियो हम बना रहे हैं। तो प्लीज इसको बेटर अंडरस्टैंड करना है तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। हम जो आज टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक, इसके दो सवाल पिछली वीडियो में भी किए थे। टॉपिक क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक। तो बच्चों यू किसने होना है? यू आपका अलजेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक आपका डी वी है। तो फार्मूला तीन मसलसल वीडियो में मैं बता रहा हूँ, फार्मूला क्या है? यू इंटीग्रेशन वी माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल। तो एक चीज़ इसमें, यू अब आपका एक्स स्क्वायर है और डी वी आपका साइन है। तो जितनी बच्चों यू की पावर होगी, यहाँ पावर टू है तो ये फार्मूला दो मरतबा ओपन होगा, और अगर पावर थ्री होगी तो ये फार्मूला तीन दफ़ा ओपन होना है जी। इन इसके बाद इंशाल्लाह इसके शॉर्टकट भी बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ले जी अब इसमें देखे, यू यू के आपका एक्स स्क्वायर, साइन का इंटीग्रेशन क्या है बच्चो? माइनस कॉस। यू इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा? 2x। तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कॉस माइनस माइनस प्लस 2 आपका बाहर आ जाएगा, x cos x dx। तो ये देखिए दोबारा फार्मूला बन गया है, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस x, और यहां पे 2। दोबारा फार्मूले को खोले, ये आपका आ गया u इंटीग्रेशन कॉस का, बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, माइनस इंटीग्रेशन, और एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? डी एक्स। तो ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स माइनस, अब इसको टू इसके साथ भी आ जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस प्लस सी। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया कॉस प्लस टू एक्स साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स प्लस सी। तो ये जी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी टाइप का एक सवाल और करने लगे हैं। अब देखें सेम क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस क्या आ गया? उधर एक्स स्क्वायर था तो यहाँ एक्स क्यूब, वहां हमारा फार्मूला टू टाइम ओपन हुआ था, अब यहां चूंकि पावर 3x की तो 3 टाइम फार्मूला ओपन होगा। तो देखें जी उसी तरह u इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन,
माइनस इंटीग्रेशन और एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या आएगा, 3x² dx। अब ये आ गया एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस 3, ये 3 बाहर आ जाएगा, x² sin x। तो ये सेम क्वेश्चन जो पिछला किया वही बन गया जी। इसको देखे ये आएगा जी उसी तरह, ये आपका u साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल 2x। अब बच्चों ये आएगा एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x² cos x, और ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, 3 2s are 6। तो यहां आ जाएगा आपका x cos x dx। तो ये जी आप इसको देखे एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x² cos x माइनस 6। अब इसमें फिर वही फार्मूला जी, u इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन और x का डिफरेंशियल dx। अब ये आएगा आपका एक्स क्यूब साइन एक्स 3x² cos x माइनस 6x sin x माइनस माइनस प्लस 6 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया जी, ये आ गया cos 6x sin x और माइनस 6 cos x plus c। तो ये जी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, आए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें u जो है x है और यहां cos स्क्वायर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 और 18 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फर्क इनमें क्या है, उसमें इस क्वेश्चन में x cos स्क्वायर है और उसमें x sin स्क्वायर है। तो हमें पढ़ चुके हैं कि जब भी cos स्क्वायर आना है तो हम उसकी जगह क्या लगाएंगे, 1 plus cos 2x over 2, और जहां sin स्क्वायर आएगा उसकी जगह 1 minus cos 2x over 2 लगाना है। डिफरेंस सिर्फ प्लस माइनस का आएगा। तो ये क्वेश्चन जब करेंगे तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे तो उसमें ये वाला फार्मूला लगा लेना, मेथड दोनों का सेम है। तो देखो जी पहले आप करोगे cos स्क्वायर की जगह 1 plus cos 2x over 2 dx, और ये आप 1 over 2 को कॉमन ले ले, आप x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x dx और यहां आएगा x cos 2x dx, ये वैल्यू आ गई जी। अब जी 1 over 2, यहां x का इंटीग्रेशन x² over 2, पावर रूल लगा बच्चों, और इसमें बाई पार्ट्स का फार्मूला उसी तरह u इंटीग्रेशन। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, लेकिन अगर cos के साथ यहां 2 होगा तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा sin 2x over 2। जो भी ये रकम 7 होगी उसका डेरिवेटिव डिवाइड होता है। तो इसमें भी बच्चों उसी तरह u इंटीग्रेशन, ये आएगा sin 2x over 2 माइनस इंटीग्रेशन, और इसका डिफरेंशियल x का क्या आएगा, dx। अब इसमें आप 1 over 2 को कॉमन ले ले, 1 over 4, x² x sin 2x माइनस, अब आपका आ गया जी sin 2x dx। इसको दोबारा इंटीग्रेट बच्चों करोगे x² x sin 2x, जब इसको इंटीग्रेट करोगे -cos 2x over 2 plus c। तो अब ये आपका आंसर आ गया जी 1 over 4 x² x sin 2x माइनस माइनस प्लस 1 over 2 cos 2x। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया जी। अब इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 16 है x sin x cos x। तो इसमें 3 वेरिएबल है, x है, sin है, ये भी फंक्शन है, एक अलहदा फंक्शन है, ये अलहदा फंक्शन है। तो हम जब इसमें बाई पार्ट्स कर रहे हैं तो हमें 2 फंक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे,
जब 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फार्मूला याद आ गया होगा, साइन 2 अल्फा इक्वल था 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के। तो अब यहां 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, यहां हम लिखेंगे साइन 2x dx। बाकी क्वेश्चन जो पिछला किया सेम है, तो ये देखो जी इसमें आएगा 1/2। उसी तरह u इंटीग्रेशन, अब साइन का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कॉस, और ये 2 नीचे डिवाइड होगा उसका डेरिवेटिव, माइनस इंटीग्रेशन और इसका डिफरेंशियल x का dx। तो ये आ गया जी 1/4 हो जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया है, यहां से भी माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अभी इसी तरह ही रहने दें, cos 2x माइनस माइनस प्लस, तो आ गया cos 2x dx। अब जी 1/4 x cos 2x, अब cos का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, ये cos का इंटीग्रेशन साइन है, तो क्या बच्चों, साइन 2x/2 प्लस सी। अब ये क्वेश्चन यहां तक भी मुकम्मल हो सकता है, लेकिन उसने आंसर बुक में थोड़ा सा खोला हुआ है सवाल को, अगर यहां तक छोड़ दे, लेकिन चूंकि आंसर को देखना है, तो फिर उसने, आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं कि ये वैल्यू आएगी 2 साइन एक्स कॉस एक्स ओवर 2 प्लस सी, तो ये कट जाएगा। अब आप इसमें इस तरह लिखेंगे साइन एक्स कॉस एक्स, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लिया एक्स, इसको भी आप 1 माइनस साइन स्केयर एक्स लिख सकते हैं, हालांकि यहां तक भी क्वेश्चन आप छोड़ देंगे तो क्वेश्चन आपका मुकम्मल है, फर्दर करना है तो हो सकता है, लेकिन यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो ये टॉपिक आपका बच्चों कंप्लीट हो गया, इस जैसे सारे सवाल हो गए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी, ये जो 3 टॉपिक हमने किए, एक लॉग वाला टॉपिक किया, एक इन्वर्स और एक ये टॉपिक किया है, इसके साथ आपके शॉर्टकट भी डिस्कस करूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।